हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एआर फैमिली टेल्स। आज का वीलॉग जो है वो बड़ा शानदार वीलॉग है और बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इसमें जो है वो आपको रेंटल मार्केट पता चलने वाली है फ्रेडरिक्टन के अंदर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आज मैं जो है वो जाने वाला हूँ, एक न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है यहाँ पर और वो ऑलमोस्ट मई के अंदर, बाय मंथ ऑफ मई में रेडी हो जाएगी। तो उसके रेंटल अपार्टमेंट किस तरह के हैं वो भी हम देखते हैं, क्या रेंट्स हैं वो आपको भी दिखाता हूँ कि फ्रेडरिक्टन के अंदर रेंटल मार्केट जो है वो किस तरह की है। तो आपको आइडिया होगा कि अदर सिटीज ऑफ कैनेडा से जो है वो अगर आपको कंपेयर करनी है यहाँ की रेंटल मार्केट, तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि यहाँ की रेंटल मार्केट किस तरह की है। तो अभी चलते हैं उस अपार्टमेंट में। आई थिंक दे हैव 3 bedrooms एज वेल, 2 bedrooms एज वेल। कोशिश करेंगे कि दोनों अपार्टमेंट देखें, दोनों जो है वो आपको भी दिखाएं, 3 bedroom apartment, 2 bedroom apartment, और उसका रेंट भी आपके साथ जो है वो शेयर करें, ताकि जो है वो आपको भी आइडिया हो कि इस पार्ट ऑफ कैनेडा में या फ्रेडरिक्टन के अंदर जो है वो क्या रेंटल मार्केट चल रही है। और ये 2023 की रेंटल मार्केट है, बिकॉज ऑब्वियसली 2022 के अंदर जब हम मिड ऑफ द ईयर आए थे तो उस वक्त रेंटल मार्केट जो है वो डिफरेंट थी, और अब रेंटल मार्केट डिफरेंट हो गई है क्योंकि इन्फ्लेशन का फर्क आया है। अरे कहना क्या चाहते हो, कुछ इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो रेंटल मार्केट जो है वो इंक्रीज हुई है। तो डेफिनेटली क्योंकि हमें भी जो है वो एक नोटिस आ गया है जिसमें हमारे $100 को जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है पर मंथ। डेफिनेटली इन 6 महीनों के अंदर जब हम आए थे और उससे अब तक रेंटल मार्केट इंक्रीज जो है वो ज़रूर हुई है। तो आप देखते हैं कि इस न्यू अपार्टमेंट में किस तरह के अपार्टमेंट बने हुए हैं और उसकी रेंटल मार्केट क्या है। मुझे थोड़ी गाड़ी जो है वो दूर पार्किंग करनी पड़ी है क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। तो उन्होंने पहले ही ईमेल कर दिया था कि हमारे पास जो है वो इतनी जगह नहीं है पार्किंग की, लिमिटेड पार्किंग है। तो इनकी एक और बिल्डिंग है इधर ही करीब में जो 5 मिनट दूर है, तो उन्होंने कहा कि पार्किंग आपको वहाँ करनी पड़ेगी। तो पार्क वहाँ पर मैंने की है, अब मैं 5 मिनट वॉक करके जा रहा हूँ और ये आपको अपार्टमेंट भी दिखाता हूँ, और साथ में जो है वो देखते हैं कि क्या रेंट ये मांग रहे हैं। तो मिलते हैं अभी हम आगे उस प्रॉपर्टी में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जहाँ पे ये रेंटल मैं देखने जा रहा हूँ। तो जी, अब मैं पहुँच गया हूँ ये बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में अपार्टमेंट आपको दिखाना था। ये जो है वो 3 bedroom apartment है, ये मैं यहाँ पर एंटर हो रहा हूँ, 3 bedroom apartment है। इसमें ये जो एरिया है वो लिविंग रूम है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको सामान बिखरा हुआ मिल रहा है, लेकिन ये बाय मार्च तक जो है वो रेडी हो जाएगी, बिकॉज मैंने अभी इनसे कंफर्म किया है। तो ये आते ही जो है वो आपको राइट साइड पे जो है वो जैकेट्स के लिए क्लॉजेट मिल जाता है, अमूमन जो जैकेट्स के लिए और शू रैक्स शूज़ के लिए जो है वो क्लॉजेट मिल जाता है। ये आपका लिविंग रूम है, अच्छी खासी विंडो दी हुई है, बड़ी विंडो है, एक बैल्कनी जो है वो लिविंग रूम के अंदर है, और साथ ही ये ओपन किचन कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक इट्स फेयर इनफ, अपार्टमेंट वाइज अगर देखा जाए तो नॉर्मली इट्स ओके, ओपन किचन कॉन्सेप्ट विद अ लिविंग रूम। अब मैं आपको जो है वो बेडरूम की तरफ ले जाता हूँ। इसके अंदर इन सूट लॉन्ड्री है, तो अपार्टमेंट के अंदर ही जो है वो वॉशर और ड्रायर दिया हुआ है अलॉन्ग विद अ स्टोरेज। तो ये बस इतना सा ही है, वाटर टैंक भी लगा हुआ है, तो ये दैट्स इट। और उसके बाद फिर हम जाते हैं, तो ये हमारा एक रूम हो गया और सीलिंग फैन भी लगा हुआ है साथ। रूम का साइज इट्स ओके, नॉट दैट मच बिग, नॉर्मल। और ये क्लोजेट दिया हुआ है इस रूम का, विच इज दे कॉल्ड अ सेकेंड रूम। और इसके साथ ही बाहर जो है वो वॉशरूम दिया हुआ है, एक वॉशरूम। ऑब्वियसली बात है कि अभी जो है वो सारी फिटिंग नहीं हुई क्योंकि इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, न्यू बिल्डिंग है। यहाँ पर जो है वो आपको टब दिया हुआ है। अब अनदर रूम जो है वो हमारे पास ये आ जाता है, जिसके अंदर ये हमारा सेकेंड रूम, मतलब थर्ड रूम हो गया। इसका साइज जो है वो सेम ही है, सेम इसी तरह से विंडो दी हुई है, सीलिंग फैन दिया हुआ है, और ये जो है वो आपका क्लोजेट है। ये क्लोजेट जो है वो रिलेटिवली दूसरे वाले रूम से छोटा है। इसके साथ यहाँ पर जो है वो आपको
लिनन क्लोजेट दिया हुआ है, यहां तो आप उसको लिनन क्लोजेट की तरह यूज कर लें या उसको पेंट्री की तरह यूज कर लें, वॉट एवर योर चॉइसेस। उसके बाद हम मास्टर बेडरूम में एंटर हो रहे हैं। मास्टर बेडरूम के अंदर बाथरूम भी जो है वो इनसूट है, तो इनसूट बाथरूम है यहां पर, लेकिन यहां पर जो है वो स्टैंडिंग शावर के साथ है, लेकिन साथ ही जो है वो ये आपको एक रैक्स दिए हुए हैं फॉर सम टॉवल्स और ये यहां पर जो है वो ये वॉशरूम हो जाता है इनसूट, और ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का साइज उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, इट्स जस्ट अ रेक्टेंगल आई थिंक, वो ज्यादा है आई थिंक। ये हीट पंप्स रखे हुए हैं, जो हीट पंप्स यहाँ पे इंस्टॉल होंगे, हाँ ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हीट पंप्स इंस्टॉल होंगे। ये सीलिंग फैन है, ये आपका जो है वो वॉकिंग क्लोजेट हो गया, ये पूरा वॉकिंग क्लोजेट है इसका, और साथ ही मास्टर बेडरूम में भी एक बैल्कनी है। तो थ्री बेडरूम अपार्टमेंट है जिसमें दो बैल्कनीज हैं, एक मास्टर बेडरूम में, एक लिविंग रूम में। इन सूट आपका वॉशरूम है यहाँ पर मास्टर बेडरूम के साथ, इन सूट लॉन्ड्री है। तो तीन बेडरूम दो वॉशरूम फुल ये अपार्टमेंट है। इसका रेंट जो है वो अभी हम पूछते हैं और आपको बताते हैं कि कितना रेंट है इसका। तो जैसे इसका जो है वो रेंट है, ये फोर्थ फ्लोर पर है, इस वजह से इसका रेंट $2,400 है, $2,400 पर मंथ। और अगर आप सेकंड फ्लोर पे यही वाला तीन बेडरूम का अपार्टमेंट लेते हैं तो 2100 का पड़ेगा, $2,100 पर मंथ। नाउ लेट सी द टू बेडरूम अपार्टमेंट। तो ये आ गए भाई हम टू बेडरूम अपार्टमेंट में। अगेन एंटर होते हुए ही जो है वो ये वॉक का जैकेट और शूज के लिए क्लोजेट दिया हुआ है। ओपन कॉन्सेप्ट अगेन किचन, सेम काइंड ऑफ अ लेआउट, बस इसमें ये कि थोड़ा सा मुझे लिविंग रूम का जो है वो साइज बड़ा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो विंडोज दी हुई हैं। जैसे अगर आप देखें एक विंडो ये और एक विंडो ये, तो दो विंडोज दी हुई हैं जिसकी वजह से सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है, और उसकी वजह लेकिन कंपेरेटिव उसकी वजह से थोड़ा सा बड़ा भी लग रहा है, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ा सा लिविंग रूम जो है वो थ्री बेडरूम से बड़ा है। तो सेम काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट है, अगेन बैल्कनी दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अभी वो जैसी बात है उसमें थोड़ा सा ग्रिल्स वगैरह लगाएंगे। आते हैं सामने सेम लेआउट पे, जैसे ये वॉशर और ड्रायर दिया हुआ है, ठीक है। सेम काइंड ऑफ रूम है, इतना बड़ा नहीं है, अंदर वाटर टैंक लगा हुआ है। अगेन ये आपका सेकंड वॉशरूम हो गया, सेम काइंड ऑफ अ वॉशरूम जो हमने थ्री बेडरूम में देखा, टब के साथ और सेम साइज। ये हमारा सेकंड बेडरूम, ठीक है, सेम उसी तरह का लेआउट, एग्जैक्टली सेम है, पूरा लेआउट सेम है। ये आपका क्लोजेट है, क्लोजेट हो गया। तो कहने का मकसद ये कि थ्री बेडरूम टू बेडरूम में जो सिर्फ फर्क है वो सिर्फ एक बेडरूम का है आई थिंक। इसके अलावा जो है वो ये आपका लिनन क्लोजेट, या फिर आप उसको पेंट्री बनाना चाहें तो वो बना दें। और ये आपका मास्टर बेडरूम है टू बेडरूम का, जिसके अंदर ये वॉकिंग क्लोजेट है और ये आपका वॉशरूम सेम स्टैंडिंग शावर के साथ, जो उधर भी मास्टर बेडरूम में स्टैंडिंग शावर था, और ये आपको रैक्स दिए हुए हैं फॉर द टॉवल्स। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा टू बेडरूम का। अब टू बेडरूम का जो रेंट है वो है $1,800, जैसे वो था $2,100 ऑन अ सेकेंड फ्लोर और $2,400 ऑन अ फोर्थ फ्लोर फॉर अ थ्री बेडरूम। तो टू बेडरूम का जो है वो रेंट है $1,800 पर मंथ ऑन अ सेकेंड फ्लोर, और अगर फोर्थ फ्लोर पे रहेंगे तो $2,100, क्योंकि जितना ऊपर जाते जाते हैं व्यूइंग की वजह से जो है वो रेंट उतना इंक्रीज होता जाता है। ओवरऑल टू बेडरूम का जो साइज है वो है 1100 समथिंग स्क्वायर फिट, और थ्री बेडरूम का जो है वो 1300 स्क्वायर फिट। तो जी अब मैं ज़रा उस अपार्टमेंट से वापस आ गया हूँ, और दो तीन बातें और मुझे बतानी थी कि उस अपार्टमेंट में जो मैंने रेंट आपको बताया उसके अंदर जो है वो आइदर आप थ्री बेडरूम रेंट करें या टू बेडरूम रेंट करें, एक पार्किंग स्पॉट आपको अंडरग्राउंड जो है वो मिलेगा इंक्लूडिंग इन द रेंट, विच इज़ आई थिंक वेरी गुड बेनिफिट बीइंग इन कैनेडा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि विंटर में स्नो का सीज़न होता है, स्नो गिरती है, और जो है आपने देखा है कि जो है वो स्नो से गाड़ी जो है वो ढक जाती है। तो अगर अंडरग्राउंड पार्किंग हो तो ये आपका बहुत बड़ा अच्छा एक बेनिफिट है। दूसरा जो चीज़ उसने मुझे बताई कि इसके अंदर फिटनेस सेंटर भी है, फिटनेस मतलब जिम भी है। तो जिम मैं आपको नहीं दिखा सका क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है,
इस वजह से जो है वो जिम में नहीं दिखा सका, लेकिन ये है कि उसने बोला कि फोर्थ फ्लोर पे जो है वो जिम की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। जहाँ जिस अपार्टमेंट में हम लोग रह रहे हैं उसके अंदर भी जो है वो जिम की फैसिलिटी है, जिसमें जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड एक ऑप्शन है, जो कि अगर आप रेंटल के लिए जो है वो देखते हैं अपार्टमेंट, तो उसके अंदर अगर आपको जिम की फैसिलिटी मिल जाती है तो आपको फिर आउटसाइड कोई जिम जो है वो नहीं कराना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा आई थिंक रिगार्डिंग दी रेंट जो मैं आपको बात करूंगा, उसमें ये करूंगा कि रेंटल मार्केट जो है वो अब फ्रेडरिक्टन के अंदर थोड़ी सी बढ़ चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 6 महीने पहले या 7 महीने पहले जो हमें रेंट मिला उसके हवाले से, अब जो रेंटल में प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, उसमें ऑब्वियसली बात है कुछ तकरीबन जो है वो 15-20% का जो है वो डिफरेंस आया है। तो ये चीज़ है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं और भी जो है वो रियल इस्टेट की वीडियोज़ जो है वो अब कवर करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि परचेजिंग के लिए अगर आपको जो है वो हाउस ख़रीदना हो या टाउन हाउस ख़रीदना हो फ्रेडरिक्टन के अंदर, तो कितने तक की जो है वो मार्केट वैल्यू होती है और किस तरह का जो है वो हाउस का स्ट्रक्चर या टाउन हाउस का स्ट्रक्चर होता है। तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। I'll meet you in the next vlog. Much love and peace.